चाहिए और समझना चाहिए कुछ चल रहा है यार, हम लोग दिन बैग नहीं है, बैठ जाओ उठ जाओ कभी बैठ जाओ कभी ठीक है, ये सब मुझे पता नहीं कैसे हम लोग सेंसिटाइज करेंगे। शाम को बोला कॉलेज आता कौन है बे, सब होंगे थोड़ी बात होगी क्योंकि शाम शॉम के पास पावर नहीं है या फिर शॉम भी बोल के मैं आता जा रहा है आई डोंट नो कारण से, लेकिन किसी भी बात करो हर कोई एक दूसरे बात करके हर कोई हट रहा है, तो जब सारे होंगे तो तभी बात होगी, ये चीज तभी बात कर पाएंगे। सारे होंगे नहीं, सबको बुलाओ फिर। हाँ तभी कहते थे मेमोरेंडम लिखा जाए, अगर बोलते थे शॉम के पास पावर नहीं है तो सर कुछ नहीं ऑफिशियली हम जो जो हमारा कंपटीशन हो गया हमारे पास कोई पावर रहा है, पावर किस चीज का, हमारे हमारे पास कोई पावर नहीं है, फिर लोग लोगों ने कमेटी को अपने पावर नहीं है, डे वन से भी अपने पावर नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि नाम के लिए पावर निकल जाओ अपना ऑफिस फैमिली बैंक में फैमिली बैंक में वो नहीं होता है, आपने भी सबके साथ मिक्स कर दिया है, ये विदर बड़ा प्रॉब्लम आपकी फिर से बढ़ने वाली है क्योंकि बॉयज को बाकी बॉयज से ना वो जितना बीटेक प्रॉब्लम मिक्स कर दिया है, गर्ल्स को बाकी मिक्स कर दिया है, जो ये पढ़ाना चाहते हैं आई नो कैसे होएगा, ये हम लोग हमसे एफडीएन से चाहते हैं बट दे आर बेयर मिनिमम कंडीशन जिसमें वो सब वो एफडीएनसी हाँ एफिशिएंसी चाहते हैं यार, हाँ ये जाते हैं वो जाते हैं बढ़िया उसके लिए यार, तो मैंने कहा था तुम जाओ राज के रूम में रोना शुरू कर दो, वही अल्टरनेटिव है, हमारे बैच में भी लड़कियों ने ऐसी किया था, गई वहाँ पे रोई हम नहीं रह सकते अलग, लड़कियाँ कैसे रहेंगी, हाँ और भी अल्टरनेटिव नहीं है बोल रहा हूँ बाकी कॉलेज की लड़कियाँ हमारे यार हमेशा इस चीज पे आके हमें ये बोल दे दो मैं हल्का नहीं सुनूंगा ठीक है, एक मिनट तक चुप रहा अब नहीं, अब क्या करना है ये चीज में हमेशा होती आती है कि अब क्या करना है, यही वर्ड है जो मुझे हर कोई कहता है, अब मैं समझ रहा हूँ अब मैं हर कोई यार हर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे बोर्ड बोर्ड बात करो कटिंग नहीं बस समझ रहा है तो क्या कर रहा है मैंने समझ रहा अच्छा ना समझा नहीं चाहिए, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू टेल देम, आपको उंगलिया नहीं डाल रहा हूँ मैं, लगा कि यही वर्ड आता है लेकिन भी मुझे लगता है वायबल सिचुएशन यही है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट 15 तक ही था तो हम उसको यही बोलेंगे कि वी रेडी टू पे फॉर नेक्स्ट 15 डेज, जितना भी कम से कम पैसा जो भी बार्गेन कर सकते हैं, बस ये कि जितना दिन वो यहाँ पे रहे सुकून से रहे, क्या मतलब सीधे जो भी अभी ये गंदगी है ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अगर चल रहा है तो साफ करके आए, सफाई वाला टाइम पे आए, खाना सही मिले, जो मैच का जो हालत है उसको हटाए, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा बाहर करे मैच पे ना करे, यार तुम ये तू ऐसे उसको कंडीशन रखे हुए भाग जाओ ऐसे क्यों, वो हमारे को ओब्लाइज कर रहा है, एक मिनट ओब्लाइज जब कब कर रहा था 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक अपने ओब्लाइज कर रहा था, तब हम लोग उसके लिए ओब्लाइज थे, अभी हम लोग 15 दिन के लिए पैसा भर रहे हैं, नहीं चाहिए उसको पैसा, ये उसने बोला नहीं है, वो बोल देगा हम कंडीशन रखेंगे हमें ये चाहिए भाग जाओ ऐसे, नहीं चाहिए तुम्हें, वैसे मैं सिर्फ एसी मांग रहा हूँ चालू करने के लिए, मैं सिर्फ एसी मांग ही नहीं रहा हूँ ना, अरे तुम बेसिक चीज मांग रहा हूँ यार, तू उसको कहेगा पैसा क्यों दे रहे फिर एक पॉइंट पे, तो वो कहेगा नहीं चाहिए मेरे को जाओ तो चले जाओ फिर बेटर वही है, फिर मैं कह रहा हूँ उसके सामने कंडीशन तो तू मुझे बता तू मुझे बता तो पैसा ही क्यों दे रहे हम लोग, जब ऐसा रहे यार तो ऐसा रहे क्यों, मेरी बात समझ, वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको बिमटेक ने खरीद दिया और यहाँ पे काम होगा होगा ऐसे रहना है, तो मैंने ही रहना है, तो मैंने बोला कि नीचे का कंस्ट्रक्शन रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फ्लोर पे रुके उसकी सफाई की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं रुकेगा नहीं मैं बताता हूँ कैसे, आज मैंने उसे बात किया था कल ही, जो कचरा फैलाया था उसको 2 दिन में साफ करूंगा, जब मैं उसको जाकर बोला था तब उसको बोला ठीक है साफ कर, जो अपना बीच में का जहाँ पे खा रहे थे उधर भी कचरा था, उधर जब बात करें उधर का भी साफ करो, सुन कचरा वो साफ कर देगा, तुम उसको ऐसे जाके बोलोगे तू ये कर 5 चीजों की लिस्ट करके, वो कहेगा नहीं चाहिए जाओ, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ी अभी मैं ऐसे बात करूँ उसका थोड़ी ऐसे बात करूँ, हम ये थोड़ा ना कहेंगे सफाई तो हो रही है, वो कहेगा सफाई वहाँ हो रही है, कहाँ होती है हमारे फ्लोर में होती है सफाई, सफाई नहीं हो रहा है ये बोला कि बहुत सारा काम बाकी है जल्दी से करवाना है, नहीं 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 आपने जिसने उसने वो मैंने उसको बोला था, वो मैंने
कि उसने क्या किया, पहले उसने फोन उठा के कचरे जो भी स्वीपर उनको फोन किया, उसने कल शाम करो, तब मैंने उसको सामने से बोला था कि मुझे पता है आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमें यही चाहिए कि बेसिक जो तो आप कंस्ट्रक्शन करने के बाद साफ करके चले जाओ, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, आप कंस्ट्रक्शन जितना तोड़ना तोड़ो, जितना जो करना करो, बस एक बार होने का सब साफ करो ताकि हम लोग कल को घिरे ना घिरे, हमें लगे ना, मैंने यही उसको ये बोला। तो उसने क्या बोला? हाँ तो उसने बोला काम ज्यादा हो रहा है, चल रहा है यार, मैं कह रहा हूँ हमें ऐसी कंडीशन नहीं रख सकते, तो वो उसका काम चल रहा है।